अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास चीज़ आ रही है डोमेन और रेंज। तो पहले डिस्कस कर लेंगे कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली अगर बात कीजिए डोमेन और रेंज की, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये इनपुट होती है और यहाँ पे आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो इनपुट बेसिकली क्या होती है, इंडिपेंडेंट, और आउटपुट क्या होती है, डिपेंडेंट। अब आउटपुट कैसे डिपेंडेंट होती है, कि आउटपुट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन इनपुट। अगर इनपुट चेंज करते हैं तो आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। और तो बीच में क्या होता है, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, +2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो इसको बोलते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस या फंक्शन, ठीक है। तो जो इनपुट होती है जिसको हम बोलते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं एक्स को, और आउटपुट में ज्यादातर हम वाई को यूज करते हैं। तो जो इनपुट होती है उसको हम बोलते हैं डोमेन, और आउटपुट को रेंज। यानी इनपुट जो डोमेन है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो हम खुद से जो है वो दे सकते हैं, लेकिन रेंज जो है वो स्पेसिफिक रहेगी विद रिस्पेक्ट टू डोमेन। अगर हम डोमेन चेंज करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट से रेंज चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम रेंज को फिक्स रखें, डोमेन को चेंज करेंगे, तो डोमेन जो चेंज हो जाएगी, लेकिन रेंज उसके साथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि रेंज जो है वो डिपेंड करी है डोमेन पे। तो डोमेन इज इंडिपेंडेंट एंड रेंज इज डिपेंडेंट। उसके बाद कर लेते हैं कि डोमेन रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है, जैसे प्रीवियस बात की थी उसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ। तो 1/x है, तो जो नीचे डिनोमिनेटर चीज होती है उसको रैशनल फंक्शन होगा तो 0 के ऊपर पुट करके, जहां पे अनडिफाइंड होगा उसको एक्सक्लूड कर देंगे, यानी रियल नंबर में से उसको एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमारे पास डोमेन आ जाएगी। और एक दो चीज और बता दूं कि लीनियर फंक्शन की डोमेन एंड रेंज इज ऑल रियल नंबर। यानी कि जो हमारे पास बेसिकली होते हैं लीनियर फंक्शन, उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है, ऑल लीनियर नंबर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए, ठीक है, तो बेसिकली क्या है क्वेश्चन 1 को अगर देखा जाए तो एक लीनियर फंक्शन है जिसमें पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और रेंज भी क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि डिफाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइन बिलो। इसका ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, ग्राफ कैसे ड्रा कर सकते हैं कि अब सेट ऑफ आर रियल नंबर है तो हमारे पास देखा जाए तो इसको मैं कह देता हूँ ये क्या है, बेसिकली ये डिपेंडेंट है और ये एक्स क्या इंडिपेंडेंट है। तो मैं ले लूंगा एक्स और जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स को मैं वाई को ऐड कर लेता हूँ। अब आर रियल नंबर तो खुद से कोई वैल्यू दे दूंगा, 0, -1, -2, 1 और 2, यहाँ तक ले लिया। पहले मैं पुट कर लूंगा इस फंक्शन में -2, जब -2 पुट करूंगा -9 आ जाएगा, -1 पुट करूंगा तो -7 आ जाएगा, 0 पुट करूंगा तो -5, 1 पुट करूंगा तो 3, और 2 पुट करूंगा तो -1, ठीक है। तो ये आगे आप इसकी रिस्पेक्ट से ग्राफ ड्रा कर लेंगे, x एक्सिस -x एक्सिस, y एक्सिस -y एक्सिस। तो ये पॉइंट कितने है, y में 9 और एक्स में 2, एक्स ड्रा कर लेते हैं, -1 और 2, 1 और 2, वाई में 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह डाउनवर्ड, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। देखा जाए तो -2 पे कितना आ रहा है, x जब -2 है तो y -9, एक्स माइनस टू तो वाई माइनस नाइन, -2 और -9,
तो पॉइंट्स को ड्रा हो जाएगा कुछ यहाँ पे, ठीक है, फिर माइनस वन और माइनस सेवन, माइनस वन और माइनस सेवन, पॉइंट ड्रा हो जाएगा कुछ यहाँ पे, फिर जीरो और माइनस फाइव, अब एक्स जीरो माइनस जीरो फाइव तो यहाँ पे ड्रा हो जाएगा, फिर वन और माइनस थ्री यहाँ पे ड्रा हो जाएगा, फिर टू और माइनस वन यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है जो कंटिन्यू होगी, जो हम डायग्राम बड़ी करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू होगी, क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करते हैं। तो इसका ग्राफ भी हो गया और डोमेन और रेंज भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो जिसमें लिखा हुआ है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है। तो बेसिकली हमने पिछले पार्ट में बात की थी कि लीनियर जो है वो मतलब कि जो लीनियर फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन सेट ऑफ आर रियल नंबर होती है, तो लीनियर फंक्शन का ये हो गया था। लेकिन जब भी कोई भी क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर लिखा जाएगा हम क्या करेंगे, उसको बेसिकली क्या कर लेंगे कि जो भी उसके अंदर वैल्यू होगी उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की दो वैल्यू रहेंगी, एक प्लस टू और एक माइनस टू, तो हम कहेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू, ये आ गया। तो बेसिकली इन दो वैल्यू ऐसी वैल्यू का अगर इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास डोमेन और रेंज की आ रही होगी इन्फिनिटी आ जाएगी, मतलब के कैसे जब मैं टू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, फोर माइनस फोर जीरो आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू इन पे इन्फिनिटी आ रही है, बेसिकली क्या लिखूंगा के डोमेन सेट ऑफ आर रियल नंबर क्लोज इंटरवल माइनस टू टू टू, ठीक है। ये बेसिकली डोमेन तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब डोमेन डिपेंड कर रही है रेंज पे, ठीक है। तो अब रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेंज लिख लेते हैं, पहले रेंज लिखने से पहले मैं इसका टेबल ड्रा कर लेता हूँ, जो डायग्राम टेबल। तो बेसिकली इसमें माइनस टू टू के दरमियान की जो वैल्यू वो एक्सक्लूड हो जाएंगी, यानी माइनस थ्री माइनस टू टू फिर थ्री फिर आगे कंटिन्यू करें तो फोर कंटिन्यू होगा माइनस फोर। तो इसके रिस्पेक्ट से हम ग्राफ को ड्रा कर लेंगे, तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी और ये जी एफ एक्स की। तो जब मैं इसके अंदर माइनस थ्री पुट करूंगा, ठीक है, जब इसके अंदर मैं माइनस को थ्री पुट करूंगा, तो जब मैं इसके अंदर माइनस थ्री पुट करूंगा तो इसके अंदर वैल्यू क्या आ रही होगी, पुट करके देख लेते हैं। तो माइनस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन, नाइन माइनस फोर अंडर रूट फाइव, ठीक है। अब माइनस टू जब पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस टू जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, थ्री पुट करूंगा तो फिर अंडर रूट फाइव आ जाएगा, ठीक है, फोर पुट करूंगा तो फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब क्या कि जब हमने टेबल ड्रा किया, यानी जितनी हम नेगेटिव पे जाएं या पॉजिटिव पे जा रहे हो, जब माइनस फोर पुट करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा क्योंकि स्केयर है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे आपको समझा दूं कि एक्स स्केयर माइनस फोर, तो जब मैं माइनस टू से नीचे वैल्यू पुट करूंगा स्मॉलर या टू से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, पूरे जी ऑफ एक्स का, जी ऑफ एक्स का आंसर आर केस में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। डायग्राम ड्रा कर लेते हैं फिर देख लेते हैं फर्दर। तो डायग्राम की बात कीजिए तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, वन टू थ्री तक, वन टू थ्री, और वाई एक्सिस में अंडर रूट फाइव। अंडर रूट फाइव को अगर सॉल्व किए तो बेसिकली क्या बनता है, कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, तो हो जाएगा वन टू और ये टू पॉइंट फाइव, ठीक है, वन टू और ये टू पॉइंट फाइव, ठीक है। आप इसके डायग्राम ड्रा कर लेते हैं तो पहला क्या है, माइनस थ्री इंटू अंडर रूट फाइव, तो बेसिकली माइनस थ्री एक्स का क्या, माइनस थ्री, तो यहां पे कहीं बन रहा होगा, ठीक है, सॉरी ये प्लस में है तो मैंने माइनस में डाल दिया, यहां पे कहीं बन रहा होगा, ठीक है। फिर माइनस टू पे क्या है, जीरो, फिर टू पे जीरो और थ्री पे सेम टू सेम, बेसिकली डायग्राम कुछ यूं ड्रा होती जा रही है, ठीक है, और यहां से यूं ड्रा हो रही है, ठीक है। तो आप इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू के अंदर भी डोमेन आ रही है, मतलब कि वैल्यू आ रही है, इसके अंदर भी ये डिफाइन है, इसके अंदर भी डिफाइन है, जो इसके दरमियान वाली वैल्यू है मतलब इधर से लेकर इधर तक वहां पर यह क्या है, अनडिफाइन है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी रेंज क्या आ जाएगी, आप रेंज की बात कीजिए तो इसकी सारी वैल्यू क्या जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है, नेगेटिव में नहीं जा रही। तो बेसिकली जब इसकी रेंज लिखी जाएगी तो क्या लिखी जाएगी, इसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है रेंज की बात कीजिए, अब रेंज की वैल्यू जो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें, जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो बेसिकली इसकी रेंज हो जाएगी
जीरो से इन्फिनिटी तक, ठीक है, मतलब ये जो इसकी रेंज हमने कैलकुलेट की वहां से हमें लिखनी है। तो जीरो से अगर ये माइनस में जा रही थी प्लस में जा रही थी, लेट्स सपोज यहां पे माइनस आ जाता तो क्या आती, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आ रही होती, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर थ्री की बात कर लेते हैं। तो सेम टू सेम से सॉल्व कर लेंगे कि जो भी एंड्रॉइड की वैल्यू होती है वो एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब फर्दर करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो रही बेसिकली, तो एक्स की वैल्यू से आ रही होगी बेसिकली माइनस वन। तो बेसिकली इसी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। आप इसे ग्राफ ड्रा कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स और नीचे जी ऑफ एक्स। तो अब माइनस वन से ऑनवर्ड माइनस वन प्रीवियस नहीं जा सकते क्योंकि उसमें ये डिसएक्लूड है, उसके अलावा सारी वैल्यू इंक्लूड है, फिर जीरो फिर वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव। तो जब इस क्वेश्चन के अंदर मैं माइनस वन पुट करूंगा तो माइनस वन प्लस वन जीरो। अब मैं प्रीवियस क्यों नहीं जा रहा, माइनस वन से बैकवर्ड क्यों नहीं जा रहा, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट करके आपको बता भी देता हूँ कि मैंने लिखा क्यों नहीं है। अगर मैं माइनस टू डालूं तो जब इसके अंदर माइनस टू डालूंगा प्लस वन तो अंडर रूट माइनस वन आ जाएगा, अंडर वन का जब हम ग्रेटर देन लेंगे तो वो अनडिफाइन होगा, तो यहाँ पे अनडिफाइन वजह से मैंने इसको डिसएक्सक्लूड कर दिया था, ठीक है। इस वजह से मैं ऑनवर्ड जा रहा हूँ जहाँ पे ये मतलब के अनडिफाइन ना हो। तो बेसिकली माइनस वन पे जीरो आ रहा है, जीरो पे वन आ जाएगा, फिर वन पे क्या आ जाएगा बेसिकली अंडर रूट, जब मैं यहाँ पे वन पुट करूँगा तो अंडर रूट टू, टू पे अंडर रूट थ्री, फिर टू फिर अंडर रूट फाइव फिर अंडर रूट सिक्स, ठीक है। आप इसके लिए हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं जिससे मैं इजीली पता चलेगा इसकी डोमेन क्या है और रेंज। अब मेरे पास एक्स में कहाँ तक जा रहे हैं हम, फाइव तक, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, और इसमें हम अंडर रूट में चले जाते हैं। तो बेसिकली पहले क्या है वन फिर अंडर रूट टू, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वन है, यहाँ पे अंडर रूट टू, यहाँ पे अंडर रूट थ्री, यहाँ पे अंडर रूट फोर, यहाँ पे अंडर रूट फाइव और यहाँ पे अंडर रूट सिक्स, ठीक है। सारे पॉजिटिव तो नीचे ड्रा करने की जरूरत नहीं है। तो बात कीजिए पहले माइनस वन पे, तो जब एक्स माइनस वन है यानी एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन और बाईस वक्त क्या है जीरो, बेसिकली पहला पॉइंट ड्रा होगा यहाँ पे, फिर वन पे, फिर जीरो पे अंडर रूट वन, जीरो पे वन आ गया, फिर वन पे अंडर रूट टू यहाँ पे आ गया, टू पे अंडर रूट थ्री यहाँ पे आ गया, फिर थ्री पे अंडर रूट फोर यहाँ पे और अंडर फोर पे फाइव और अंडर फाइव पे सिक्स, बेसिकली लाइन कुछ यूं ड्रा हो रही है, ठीक है। तो अब यूं ड्रा हो रही है तो इसे बैकवर्ड नहीं आ रही, ये फर्दर अपवर्ड मूव करिए पॉजिटिव की साइड, ठीक है। तो बेसिकली अगर डोमेन की बात की जाए तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी बेसिकली, तो अगर इसकी डोमेन की बात की जाए तो डोमेन, अब जो इसकी डोमेन है जिसके अंदर ये वैल्यू डिफाइन है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, माइनस वन से इन्फिनिटी तक। अब क्वेश्चन बनता है कि हम इसको ऐसे क्यों लिख सकते कि रियल नंबर माइनस वन, अगर ऐसे क्यों लिख सकते, तो बेसिकली इसको जिस वजह से ऐसे नहीं लिख सकते कि हमारे पास जो माइनस टू भी वो क्या है रियल नंबर है, जब वो लिखेंगे तो वहां पर भी ये अनडिफाइन आ रहा होगा, मतलब इसका लिखा हुआ है कि क्लोज इंटरवल वन से लेकर इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, जो इससे बाहर वैल्यू वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है। मैंने बेसिकली इसको किसी इस तरह क्यों नहीं लिखा कि अगर मैं लिख लूंगा कि माइनस वन के अलावा सारी की वैल्यू जो है वो उसकी डोमेन एग्जिस्ट करती है, तो जब मैंने माइनस टू पुट किया था फिर भी इन्फिनिटी आ रहा है, माइनस थ्री पुट करूंगा फिर भी इन्फिनिटी आ रहा हो, इस वजह से मैंने इसको इस तरह लिख लिया, ठीक है, कि माइनस वन क्लोज इंटरवल इंटू इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल, और इस क्लोज इंटरवल के अंदर जितनी वैल्यू है वो सारी की सारी इंक्लूड है और इनके जो जितनी वैल्यू वहां पर ये अनडिफाइन है, ठीक है। उसके बाद इसकी रेंज लिख लेते हैं, अगर रेंज की बात की जाए तो बेसिकली रेंज क्या होती है कि हमारे पास कहां से कहां तक स्टार्ट हो रही है, तो जब हमने टेबल स्टार्ट किया वो सबसे उसमें जो लो पॉइंट था वो जीरो था और कंटिन्यू जा रहा है पॉजिटिव इंटीजर की तरफ, तो ये हो जाएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसके अंदर क्लोज इंटरवल एग्जिस्ट करता है और इसमें माइनस की कोई वैल्यू नहीं आती, जिससे हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसको लेके गए, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें जिसके अंदर जी ऑफ एक्स एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो बेसिकली ये एक लीनियर फंक्शन है,
ठीक है। अब बिलियन फंक्शन मीन के इसके अंदर क्या लिखा हुआ कि इसके अंदर जो मॉडुलस की जितनी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। अगर माइनस होगा तो मॉडुलस को क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली इसको पॉजिटिव कर देगा। तो जो इसकी डोमेन होगी, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद रेंज की बात करने से पहले हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, एक्स जी ऑफ एक्स। तो मैं स्टार्ट करता हूँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो जब मैं इसके अंदर -3 पुट करूंगा तो -3, -3 जीरो हो जाएगा, सॉरी, जब इसके अंदर -3, -3 हो जाएगा तो कितना आंसर आएगा, -6। तो मॉडुलस साइन को खत्म कर जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। जब इसके अंदर मैं पुट करूंगा -2, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, -2 पुट करूंगा तो कितना आंसर देगा, +5। -1 पुट करूंगा तो कितना आंसर देगा, 4। 0 पुट करूंगा तो 3, 1 पुट करूंगा तो 2, 2 पुट करूंगा तो 1 पुट करूंगा तो 2, 2 पुट करूंगा तो 1, 3 पुट करूंगा तो 0। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, मतलब कि इसमें सारी की सारी अगर नेगेटिव जब पुट की है तो उसके लिए क्या आ रहा है, हमारे पास सारी की सारी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब बंदे के जहन में क्वेश्चन आता है कि जब मैं 4 पुट करूंगा तो मैं 4 पुट करके देख लूंगा, एक्स -3, 4 -3 तो 1 आ जाएगा। अब सारी वैल्यू आगे क्या आ रही, आ रही है पॉजिटिव में जाती जा रही है, ठीक है, इसमें नेगेटिव नहीं आ रही, सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो जो इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0, और हाइएस्ट वैल्यू पॉजिटिव जाती जा रही है। तो इसकी रेंज हो जाएगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि इसमें नेगेटिव कोई नहीं है क्योंकि मॉडुलस है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉडुलस उस नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की डोमेन को रिलेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 6x+7x<-2>, तो ये स्मॉलर नंबर के लिए, ठीक है, जहां पे ये नंबर बड़ा है तो उसके नेक्स्ट केस में स्मॉलर नंबर के लिए, और यहां पे ये लार्जर नंबर के लिए, यानी एक्स माइनस, फिर एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी हो जाएगी, 1, 2, 3, इसमें क्या हो जाएगा, -2, -3, -4, स्मॉलर नंबर के लिए, वो बड़े नंबर के लिए। उसको ड्रा करने से पहले हम रियल लाइन ड्रा कर लेते हैं, जिसमें ये -∞, ये +∞, यहाँ पे मैं 2 ड्रा कर लेता हूँ। अगर पहले स्टेटमेंट की बात कीजिए तो उसके इक्वल भी है, इक्वल है तो ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल का सिंबल डाल लेते हैं, यानी -2 से क्लोज इंटरवल इन्फिनिटी तक, -∞ तक, क्योंकि -2, -3, -4, -5, 12, -∞ तक, क्योंकि कोई फिक्स वैल्यू नहीं गिवन। और यहाँ पे -2 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल, कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। बेसिकली यहाँ पे आ रहा था ओपन इंटरवल, यहाँ पे आ रहा था क्लोज इंटरवल क्योंकि उसके इक्वल है, और ये ओपन इंटरवल क्योंकि उसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो क्लोज ओपन इंटरवल से ऑनवर्ड जा रहा है और ये क्लोज इंटरवल से ऑनवर्ड जा रहा है। तो इस साइड में हमारे पास ये वाला हिस्सा सॉल्व हो रहा है 6x+7, और उस साइड क्लोज इंटरवल में 4 -3x। तो अगर इसको लिखा जाए इन अ फॉर्म ऑफ डोमेन तो क्या आ जाएगा, बेसिकली -∞ to -2 क्लोज इंटरवल यूनियन, अब ये 2 के इक्वल नहीं था तो यहां पे सॉरी आ जाएगा।